अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक के प्रारंभिक दृश्य में एथेंस के ड्यूक थिसियस की इमेजन की रानी हिप्पोलिटा के साथ विवाह की तैयारियां की जा रही हैं। एक एथेंस का नागरिक अपनी लड़की हर्मिया, जिसका डेमेट्रियस के साथ विवाह निश्चित किया गया है परंतु उसका हृदय एक दूसरे युवक लाइसेंडर ने जीत लिया था, के विरुद्ध शिकायत लेकर थीसियस ड्यूक का पास आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि एथेंस कानून के अनुसार माता पिता को अपनी लड़कियों का विवाह अपनी इच्छा अनुसार कर देने की आज्ञा प्रदान की जाए, अन्यथा आज्ञा पालन न करने पर कानून के अनुसार उन्हें मृत्यु की सजा प्रदान की जाए। थीसियस ने हर्मिया को समझाया कि यदि वह डेमेट्रियस से विवाह करना अस्वीकार कर दे तो उसके लिए दो ही मार्ग हैं, मृत्यु की सजा या मठाधीश में सदैव के लिए अविवाहित एकांत अवस्था में रहना होगा। यदि वह सिवाय लाइसेंडर के किसी अन्य से विवाह करने की इच्छा करने लाइसेंडर ने एकांत अवस्था में उसे फुसलाकर उसे दूसरे मार्ग पर ले जाने का परामर्श दिया, अर्थात एथेंस के कानून की सीमा से 7 मील रह चले जाकर वे सुरक्षित रूप से विवाह कर सकते थे। यह रहस्यमय योजना हर्मिया ने अपनी परम मित्र हेलना के समक्ष प्रकट की, जिसने उसे डेमेट्रियस को बता दिया। परिणाम स्वरूप वह इस जोड़े के पीछे गया, जबकि वह जिसका प्रेम डेमेट्रियस पहले ही जीत चुका था उसका पीछा करने का दृढ़ निश्चय करता है। उनके भागने का प्रयास उन्हें थेंस के समीप के जंगल में ले जाता है, जहाँ कुछ असभ्य श्रमिक एक नाटक के अभिनय की तैयारी कर रहे हैं, जो कि वे थीसियस और हिप्पोलिटा के समक्ष उनके विवाह के दिन खेलना चाहते हैं। इस जंगल में ऑबन और टाइटेनिया परियों के राजा व रानी भ्रमण करते हैं। इस समय परियों के राजा व रानी एक छोटे चुराए हुए भारतीय लड़के के लिए विवादग्रस्त हैं और एक बच्चा टाइटेनिया के पास है जो वह ऑबन को देने से अस्वीकार करती है। इस बात पर बच्चे को प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए ऑबन एक युक्ति रचता है और एक शैतान पक नामक परियों के दूत की सेवाएं लेता है, जो सोती हुई टाइटेनिया की आंखों में एक अमूल फल का रस डाल देगा जो उसे जागने पर जो भी कोई वस्तु देखेगी उसे प्रेम करने के लिए विवश करेगा, और इस प्रकार टाइटेनिया के अपने लिए प्रेम को इस छोटे चुराए हुए लड़के के लिए कूल बना दिया। जबकि पक इस प्रकार के प्रभावशाली फूल की तलाश में गया हुआ था तो हेलना और डेमेट्रियस द्वारा हेलेना के प्रेम को ठुकराने की बात सुनकर फूलों के उस पराग का प्रयुक्त करने का दृढ़ निश्चय करता है, ताकि वह घृणात्मक युवक अपनी मदर एथेंस की युवती के प्रति वफादारी व विश्वास प्रकट करने के लिए विवश हो जाए। अपने दूत के लौटने पर ऑबन ने टाइटेनिया की आंखों की पलकों पर फल का पराग छिड़क दिया और पक भी उस कार्य के लिए डेमेट्रियस के पास जाता है। इस बीच हर्मिया और लाइसेंडर रमौके पर पहुंचते हैं और जंगल में विचरण करते हुए थककर घास पर लेटकर सो जाते हैं। ज्यों ही पक ने जंगल में प्रवेश कर इस जोड़े को देखा तो सोचा कि यही लाइसेंडर एथेंस का युवक है जिसके विषय में ऑबन ने उससे कहा था, और तत्काल उसकी आंखों में जादुई पराग डाल देता है। एक क्षण के पश्चात डेमेट्रियस और हेलेना पुनः प्रकट होते हैं और लाइसेंडर जागते ही हेलेना के प्रति अपने प्रेम के वेग की पुनीत प्रार्थनाएं प्रकट करता है, जिसके लिए यह सोती हुई हर्मिया को त्यागता है। इसी समय एथेंस के श्रमिक पिरामस और थिस्बी के नाटक का अभिनय करने के लिए आते हैं। पक परियों के विचरण करने के स्थान पर उनके हस्तक्षेप करने के साहस पर रिद्ध कर अपनी शक्ति से उनके प्रमुख पात्र बॉटम के कंधों पर गधे का सिर लगा देते हैं, और ज्यों ही टाइटेनिया जागती है तत्काल उससे प्रेम करने लगती है। अन्य सब पात्र बॉटम के इस परिवर्तित चेहरे को देखकर भयभीत होकर सब दिशाओं में तितर बितर होकर भाग जाते हैं और टाइटेनिया के साथ अकेला रह जाता है, जिससे वह प्रेम करती है। बरन पुनः प्रवेश करता है और पक अपनी योजना की सफलता उसे बताता है। जबकि वे आपस में बातचीत कर रहे थे तो हर्मिया और डेमेट्रियस दिखाई देते हैं, जबकि हर्मिया डेमेट्रियस को बुरा भला कह रही थी कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी लाइसेंडर की हत्या कर दी थी, जिसको कि उसने सोते हुए छोड़ दिया था ताकि वह हेलेना का पीछा कर सके। अब ऑबन को ज्ञात हुआ कि पक ने इस एथेंस युवक को दूसरा समझकर गलती की थी और उस स्थान पर हेलेना को लाने के लिए भेजता है, और डेमेट्रियस की आंखों में उसके आने की तैयारी में प्रेम पराग डाल देता है। उसके लाइसेंडर के साथ आने पर डेमेट्रियस जागता है और हेलेना के प्रति उन्मत्ता से प्रेम की प्रतिज्ञाएं करने लगता है। हेलेना उसकी इन प्रेम प्रार्थनाओं से व्यथित हो जाती है, जैसे कि वह थोड़ी देर पहले लाइसेंडर की प्रेम की बातों से परेशान थी। कल्पना करती है कि लाइसेंडर और हर्मिया दोनों उसका हास्य करने के लिए योजना बनाकर आए हैं। परिणाम स्वरूप हर्मिया के साथ कटु संघर्ष होता है। डेमेट्रियस और लाइसेंडर उसी समय हेलेना का प्रति अपने प्रेम का दावा करते हैं और एक दूसरे के लिए घातक द्वंद्व की चुनौती देते हैं। इस शैतानी को रोकने के लिए ऑबन पक को निर्देश देता है कि वह वातावरण को अंधकार से युक्त कर दे और लाइसेंडर और डेमेट्रियस की बारी बारी से आवाजें बनाकर एक दूसरे से दूर ले जाए। ऐसा करने के पश्चात उसे आज्ञा दी गई का वह दूसरे जादू के पराग द्वारा लाइसेंडर की आंखों से आकर्षण दूर करे, ताकि जागने पर वह हेलेना के प्रति अचानक उत्पन्न हुए वासनायुक्त प्रेम को भूल जाए और हर्मिया के प्रति अपनी प्रेम शपथ पुनः ले सके।
दीपक इन प्रतिद्वंद्वियों के लिए जो कि थके हुए जंगल में घूमते हैं ऑबन की आज्ञा का पालन करता है। और जब हर्मियाहा, लेना और सब लेटकर थके हुए सो जाते हैं तो लाइसने की आंखों में प्रेम के प्रतिकूल पराग डाल देता है। जबकि वे इस प्रकार सोए हुए रहते हैं तो टाइटेनिया अब भी बॉटम के प्रेम में फंसी हुई प्रवेश करती है और कुछ समय पश्चात ऑबन चुराए हुए बच्चे को प्राप्त करने के पश्चात उसके द्वारा टाइटेनिया की इंद्रियों पर डाला गया आकर्षण दूर करता है। ऐसा सब कुछ होने के पश्चात सब परियां अदृश्य हो जाती हैं। थिसियस, हिपोलिटा और इगियस के साथ प्रातःकाल जंगल में शिकार के लिए जाता है। शिकारियों के विगुल की आवाज सुनकर लाइसेंडर, डेमेट्रियस, हर्मिया और हेलेना अपनी गहरी नींद से जाग जाते हैं। डेमेट्रियस थिसियस को रात की घटना से नाता है और हर्मिया के प्रति अपना अधिकार त्याग देता है। इगियस अपनी लड़की के भाग जाने से क्रोधित होकर कानून को लागू करने का अधिकार चाहता है, परंतु थिसियस उसकी बात को न मानते हुए लाइसेंडर और हर्मिया के विवाह की अनुमति प्रदान करता है। दूसरी ओर हेलेना डेमेट्रियस के विवाह की सूचना देता है, साथ ही इस खुशी के अवसर पर वह हिपोलिटा के साथ विवाह करने की सूचना देता है। तीनों जोड़ों के विवाह मंदिर में संपन्न होते हैं और एथेंस के श्रमिकों द्वारा नाटक पिरामस और थिस्बी अत्यंत हास्य अभिनय के साथ खेला जाता है और इस प्रकार सुखांत नाटक का अंत हो जाता है।